दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि कैसे आप अपने वाईफाई का पासवर्ड पता कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी आपके मोबाइल फ़ोन में आपका वाईफाई कनेक्ट है, लेकिन क्या होता है कभी कभी हम अपने वाईफाई के पासवर्ड को भूल जाते हैं और हमें अपने किसी दूसरे मोबाइल या लैपटॉप को कनेक्ट करने की ज़रूरत होती है। नॉर्मली पहले तो हमें अपना पासवर्ड याद होता है, तो जब भी हम अपना वाईफाई ऑन करते हैं अपने मोबाइल का तो ये ऑटोमेटिकली उससे कनेक्ट हो जाता है, तो नॉर्मली हमें अपना वाईफाई का पासवर्ड याद नहीं रहता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि अगर आप अपने वाईफाई का पासवर्ड कुछ इस तरह से भूल चुके हैं तो कैसे आप अपने वाईफाई का पासवर्ड पता कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने अपना वो वाला फोन अपने वाईफाई से कनेक्ट कर लेना है जो ऑटोमेटिकली आपके वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है। सबसे पहले तो कुछ इस तरह से आपने ये कनेक्ट कर लेना है और यहां पे आपने इस वाईफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक एंड होल्ड कर देना है या इस ऑप्शन को आपने दबाए रहना है। तो जैसे आप इस ऑप्शन को दबाए रहते हैं तो इसके अंदर आप कुछ इस तरह से अभी चले जाते हैं, वाईफाई की सेटिंग के अंदर अभी आप चले गए हैं। अगर यहां से आप ऊपर से इस सेटिंग के अंदर नहीं जाना चाहते तो यहां पे आप सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सेटिंग के अंदर आपको यहां पे वाईफाई वाला ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, तो यहां पे आप वाईफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करके भी इस वाईफाई सेटिंग के अंदर जा सकते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं अभी मेरा वाईफाई मेरे मोबाइल से कनेक्ट है। आपने क्या करना है, यहां पे इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है जो भी आपका वाईफाई आपके मोबाइल से कनेक्ट है। तो इसके बाद यहां पे आपको एक QR कोड इसमें दिखाई देने लगेगा, तो सबसे पहले आपने क्या करना है इस QR कोड का स्क्रीनशॉट ले लेना है। जैसे आप यहां पे स्क्रीनशॉट लेते हैं तो ये अभी स्क्रीनशॉट या कहें आपका QR कोड आपकी गैलरी में अभी सेव हो चुका है। गैलरी वाले ऑप्शन पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहां पे अभी आप देख सकते हैं ये जो हमने स्क्रीनशॉट लिया था अभी हमें इस स्क्रीनशॉट को क्रॉप करना है, मतलब जो हमारा QR कोड है उसे अभी हमें कम से कम इसमें क्रॉप करना है। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं जो हमारा स्क्रीनशॉट था इसमें से हमने जो ये QR कोड है इसे क्रॉप कर लिया है। क्रॉप करने के बाद अभी ये क्रॉप की हुई फोटो या क्रॉप किया हुआ QR कोड हमारे मोबाइल फोन में सेव हो चुका है। अब आपने क्या करना है, अब आपने यूज करना है गूगल लेंस का, एक एप्लीकेशन आता है गूगल का गूगल लेंस करके, उसका यूज आपने कर लेना है। अगर आप गूगल लेंस का यूज नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक गूगल का डिफॉल्ट ब्राउजर आता है, इससे भी आपका काम बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे गूगल के डिफॉल्ट ब्राउजर में क्लिक कर लिया है और यहाँ पे आपको सर्च के बगल में एक कैमरा वाला ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, तो यहाँ पे आपने कैमरा वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे कैमरा वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो सीधे आप अपनी गैलरी में रिडायरेक्ट हो जाते हैं और यहाँ गैलरी में से आपने अपना वो QR कोड इसमें सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे अपना QR कोड सेलेक्ट करते हैं तो ये आपके QR कोड को स्कैन कर लेता है और इसकी पूरी डिटेल यहाँ पे अब आपको देखने के लिए मिल जाती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इस QR कोड की पूरी डिटेल यहाँ पे मुझे दिखाई पड़ रही है, इसका नेटवर्क नेम ये है और इसका पासवर्ड मुझे भी अभी पता लग गया है, कुछ इस तरह से इसका पासवर्ड दिखाई देने लगता है। धन्यवाद।